करे तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के टोल टैक्स से, देख सकते हैं किस तरह से एक घड़ी गाड़ी के पीछे ट्राले वाले ने टक्कर मार दी जोरदार। आप देख सकते हैं फॉर्च्यूनर पीछे से जो है पूरी क्षतिग्रस्त हो जाती है। बताया ये जा रहा है कि ये अपनी कतार में खड़े हुए थे टोल टैक्स के पार करने के लिए, पीछे से एक जो ट्राले वाला आता है वो पीछे से इन्हें टक्कर मार देता है। उसके बाद जैसे ही जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, लगते थाने से मधुबन थाना से पुलिस भी मौके पर है। अब बातचीत करने का, पुलिस से भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। डायल 112 की 713 नंबर गाड़ी मौके पर पहुंच जाती है जैसे ही उन्हें जानकारी मिलती है। फिलहाल आपको बता दूं आईए को मौके पर बुला लिया गया है। डायल 112 से भी जानकारी लेने का प्रयास जरूर करूंगा। देख सकते हैं बिल्कुल नई फॉर्च्यूनर है, किस तरह से एक खड़े ट्राले ने जो है वो टक्कर मारी है। सर क्या कुछ जानकारी मिली थी यहाँ पर पहुंचे थे? हमारे पास कंप्लेंट आई थी, एक्सीडेंट हो गया टोल टैक्स का सारा। तो हम मौके पे आए तो देखा आगे छोटी गाड़ी थी, पीछे ट्राला था, ट्राले में ने टक्कर मार रखी, काफ़ी डैमेज जगह थी। तो दोनों गाड़ियों को साइड में निकाला है और आईओ के पास कॉल कर दी थी थाना मधुबन में। आईओ मौके पे आया, जैसे जो कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी की जाएगी कार्रवाई। ट्राले वाला यही है, ट्राले वाला यही है, ड्राइवर है आपके पास है? हाँ। कहाँ है ड्राइवर? उससे ट्राले वाले से भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। क्या कुछ हुआ था ये देख सकते हैं, ये ट्राला HR 37E 0887। क्या हुआ था भैया, कैसे होगी, कैसे हुआ है एक्सीडेंट? गाड़ी लाइन में थी ना, ऐसे गाड़ी चल रही थी, उसने तुरंत ब्रेक मार दिया। अच्छा, ये तो आपकी गाड़ी के कैसे लगी, स्पीड पे थी गाड़ी? नहीं, क्या स्पीड पे थोड़ा चेक कर लो, मीटर चेक कर लो ना। तो गाड़ी तो बहुत जोर की लगी हुई है। एकदम ब्रेक मारी उन्होंने? हाँ जी एकदम ब्रेक मारी एकदम। हाँ जी आप देख, ब्रेक को रोकी जी, नहीं रोकी जी, थोड़ा बम्पर लग गया जी। अच्छा, तो बिल्कुल डिक्की अंदर होगी थी डिक्की? हाँ जी गाड़ी की डिक्की अंदर। आप देख सकते हैं लगते थाने से आईओ यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पूछताछ की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। देख सकते हैं ट्राले वाले से पूछताछ जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। देख सकते हैं जो गाड़ी का सारा शीशा है ये देख सकते हैं, ये आगे बम्पर के आगे ये एंगल जो है वो लगा हुआ था, ये एंगल उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर जो है वो घुस जाता है। फिलहाल देख सकते हैं पूछताछ जो है वो की जा रही है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। आगे इसने कैसे रोके है ना, तो तुरंत लगी मैम गाड़ी एकदम। तो तुरंत ऐसे कैसे लग गई, वो बोल रहे कि हम तो टाइम ब्रेक लिए मैम, ऑटो टाइम ब्रेक मारे। आपकी रफ्तार ज्यादा होगी, कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी, टोल पे रफ्तार पे थोड़ा नाटक लगा लेंगे। कितने लोग थे आपके साथ अंदर? हम तो दो ही आए। आप सूफी तो नहीं है इस समय? बिल्कुल चेक कर सकते हैं मैडम। किसका है, कहाँ से आ रहे थे आप? संजीव पुराना जी का। नहीं आप कहाँ से आ रहे थे? कहाँ से? यमुनानगर से। यमुनानगर से। क्या लोड है इसमें? लोड है। हाँ जी। क्या लोड है? रोहिता है जी, कोर्स है। कोर्स है। तो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं रेता है इस गाड़ी का, आप देख सकते हैं ये नंबर प्लेट आप मोड़ क्यों देते हो, नीचे की तरफ मोड़ क्यों देते हो नंबर प्लेट? अब ये देख सकते हैं ये गाड़ी का नंबर है, फिलहाल इसमें रेता लोड है और फॉर्च्यूनर को पीछे से इस गाड़ी ने हिट किया है। फिलहाल इस गाड़ी को रुकवा लिया गया है, फॉर्च्यूनर वालों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं। अभी हम सब मौके पर आए हैं, तो 112 डायल की जो गाड़ी आई हुई थी उन्होंने ही बताया था, जो भी वाक्य है अपना आईओ तस्दीक करके उसके बाद बता पाएंगे क्या बात है। देख सकते हैं फिलहाल आईओ मौके पर है और ये फॉर्च्यूनर लुधियाना नंबर PB10GJ7778 ये गाड़ी का नंबर है, किस तरह से पीछे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। जी हाँ, पीछे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, पीछे से जोरदार हिट किया गया है इस ट्रक द्वारा। अपील आप सभी से करूंगा इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। इसने नशा किया हुआ है, ये गाड़ी का लोड भी ज़्यादा है इसमें, ये ना चेक करवा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं इस चीज़ को। इसने खड़ी गाड़ी में अपनी एक कोई अपनी लेन में नहीं था, इस लेन में ट्रक अलाउड नहीं है, ये इस लेन में जा रहा ट्रक के दिन में, ये सोया पड़ा नशे में, अभी भी आप चेक कर सकते हो ये नशे में है भाई। इसकी लेन और थी, ये दूसरी लेन में था, ये लेन जिस लेन में ट्रक अलाउड नहीं था, टोल वालों से भी जाके किसी लेन में एक्सीडेंट हुआ उस लेन में ट्रक अलाउड है। अच्छा, कार वाली लेन में आ गया था ट्रक, एकदम पीछे से टक्कर मार दी, सोया पड़ा था नशे में था।
आप देख सकते हैं आरोप है इन फॉर्च्यूनर वालों का कि नशे में है, पूरा इसे होश नहीं है, पीछे से पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है गाड़ी PB10GJ778। आप देख सकते हैं किस तरह से उस ट्रक का जो है बम्पर इसकी डिक्की में जो है वो घुस जाता है, जिसके बाद इस गाड़ी का काफ़ी नुकसान होता है। फिलहाल पुलिस को बुला लिया गया है, बातचीत जो है वो की जा रही है, अब आगे की कार्रवाई जो होगी वो पुलिस द्वारा अब कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहना। आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर पुलिस अब बातचीत करती हुई जरूर नजर आ रही है ताकि जो इनका सोल्यूशन है वो कराया जाए, ताकि अब आरोप ऐसे भी हैं कि ट्रक वाले ने नशा किया हुआ है या नहीं, वो फिलहाल अब पुलिस जाँच जो है वो करेगी, बातचीत करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। देख सकते हैं आपको लग रहा है आपकी गलती है, लग रहा है गलती है मैडम, जब कुछ नुकसान होगा गलती तो माननी पड़ेगी। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है उनका, जो कुछ गलती तो नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी आपको। हाँ जी, हाँ जी, करोगे? मालिक से बात हो गई है आपकी? बात हो रही है, आने लग रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर माफी भी मांग रहे हैं सर। उनका कहना है कि मालिक को बुला लिया, करवा देते हैं आपकी। सर पिछले 2 घंटे से नहीं आ रहा। अच्छा, आप 2 घंटे से खड़े हो यहाँ पे? अच्छा जी, ऊपर खड़े हैं, यहाँ से कोई आ ही नहीं रहा, ना इसका धंधा कोई आ रहा ना कुछ। तो पहले भी यही बोला था कि मालिक को बुलाया है? हाँ, मालिक को बुला रहा, आ रहा 10 मिनट में, आ रहा 10 मिनट। माफी मांगी जा रही है और बोला जा रहा है कि किसी से फोन करवा रहा है, कभी किसी से फोन करवा रहा है, धोखा दे रहा है कि ये। तो आप कार्रवाई चाहते हैं सर? कार्रवाई चाहते हैं सर, कल को कोई मर जाता है इसके नीचे आके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को पैसे का लालच नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इन लोगों को सबक आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पर कहना है हमें पैसे की लालच नहीं है पर सबक मिलना चाहिए, ताकि और किसी गाड़ी को निशाना ना बनाया जा सके। फिलहाल अब पुलिस जो है आगे अब इन दोनों गाड़ियों को शायद थाने में लेकर जाएगी। जी हाँ, इन गाड़ियों को थाने में लेकर जाएगी। अपील आप सभी से करूंगा, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे, आईओ से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आईओ क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल ड्राइवर जो है ट्रक का वो नशे में लग रहा है, पर देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर पर अब पुलिस जो है वो मेडिकल भी ज़रूर कराएगी, पुलिस जो है वो मेडिकल भी कराएगी। अब दोनों गाड़ियों को लगते थाने में ले जाया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील भी रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट के अंदर ज़रूर बताएँ क्या कुछ कार्रवाई जो है होनी चाहिए। अब पीछे से हिट किया गया है, ट्रक वाले ने इस फॉर्च्यूनर गाड़ी को पीछे से हिट किया है, जिस कारण ये गाड़ी पीछे से पूरी ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, ये गाड़ी पीछे से पूरी ख़त्म हो चुकी है, आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, डिक्की जो है पूरी अंदर घुस जाती है, क्योंकि उसका बम्पर जो है काफ़ी बाहर निकला हुआ था, जिस कारण ये डिक्की जो है वो अंदर चली जाती है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।